मुख्यमंत्री पंजाब की ओर से चलाई गई मुहिम खेल वतन पंजाब के तहत जिला पठानकोट के स्कूलों में लगातार खेल करवाए जा रहे हैं। आज भी पठानकोट के हल्का भुआ में पढ़ते स्कूल में यह खेल करवाए गए, जिसमें पठानकोट के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों में इन खेलों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने कहा कि ऐसे खेलों से यहाँ उनका मनोबल बढ़ता है, वहीं शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। बच्चों ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए व नशे से दूर रहना चाहिए। उधर गांव के सरपंच राजकुमार नीलू व अन्य लोगों ने कहा कि यह पंजाब सरकार का बढ़िया उपराला है, जिसकी वे प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल करवाने से यहां बच्चों का मनोबल बढ़ता है, वहीं बच्चों का शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। मैं कहना चाहता कि पंजाब सरकार ने बहुत उपराला किया कि बच्चों यह खेडा प्रति जोड़न की। तो मैं नवे यूथ को यह प्रेरणा करना कि नशे को छड़ के कि खेडा वाल ध्यान दे, खेडा के नाल साडा शरीर जिहड़ा है तंदुरुस्त रहिंदा है, ते नाल साडे शरीर दे विच एक्टिवनेस आउंदी ते चुस्ती भी साडा शरीर महसूस करदा ते रोगां तों मुक्त रहिंदा है। पिंड भोए दे विच खेडा करवाईआं जा रही है, की मैसेज देना चाहोगे? जी, पंजाब सरकार का बहुत ही वधिया उपराला है नौजवानों के लिए। नौजवानों ने एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि अपनी प्रतिभा का एक ग्राउंड के अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और इन्हों की जी प्रतिभा उजागर हो सकती है। खेडा वतन पंजाब दिया बैनर तहत पूरे पंजाब के प्रोग्राम किया जा रहा है। ये टूरनामेंट पहला ब्लाक पद्धर से होंगे, उस तो बाद जिला पद्धर के, जिला पद्धर तो जो जितने उन्होंने जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन स्टेट पद्धर से होगी। ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦਰਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਲਾਕ ਜੈਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਗਿਆਲ, ਇਹ 3 ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ ਖੋ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਦਰਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।